Modi. And on the outside, he looks like he's your father. He's the nicest, total killer. But we had a couple of occasions where somebody was threatening India. I said, let me help. I'm very good with those people. Let me help. I will do it. I will do it. Then I will do anything necessary. उन्होंने कहा कि मोदी साहब लगते फादर फिगर हैं, लेकिन he is killer for his enemies. सा पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो बल्कि पाकिस्तान से पहले आपकी बात करूंगा कि आपकी ट्रंप साहब से कल मुलाकात हुई है पेंसिल्वेनिया में. फिर उन्होंने कन्वर्सेशन में और कहा कि somebody was threatening India. उनका कोई था जो इंडिया को थ्रेट कर रहा था. एंड आई टोल्ड मोदी लेट मी हेल्प. और फिर उन्होंने कहा कि मोदी ने बहुत ही अग्रेसिवली जवाब दिया और कहा आई विल हैंडल इट एंड वुड डू एनीथिंग नेसेसरी. दूसरी बात यह है कि जब आप मुझे ये पता हो ना कि मेरी जिंदगी स्टेक पर है, मुझे फिर आपकी और आपके हमदर्दों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं होती. ठीक. अच्छा, व्हेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ माय नेक देन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एवरीबॉडीज नेक. जी. और फिर इस संडे को जुल्म ये हुआ है कि तालिबान के फॉरन उनकी फॉरन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट दी है कि वी आर वरीड अबाउट द सर्कमस्टांसेस इन पाकिस्तान और ये एक रीजनल खतरा बन चुका है पाकिस्तान. ये तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट आई. बल्कि वो सामने बॉर्डर के सामने खड़े होके उनकी फोर्सेस भी खड़ी होती है वहां से हमें निशाना बना रहे होते हमारी पोस्ट को. इसे सीरियसनेस का अंदाजा तो होता है लेकिन साथ ही साथ इस बात का अंदाजा भी होता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो एक महवर नजर आ रहा है. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीएन चैनल पे. तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो. तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के अंदर मोदी जी के बारे में एक वीडियो काफी वायरल हो रही है जिसमें अभी अमेरिका के अंदर हो रहे प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए कैंपेन कर रहे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके मिस्टर ट्रंप ने बकायदा एक पॉडकास्ट में जो बात कही है वह मोदी विरोधियों के लिए और खासतौर से पाकिस्तानियों के लिए किसी जले पे नमक छिड़कने से कम नहीं है. वैसे तो हम सभी जानते हैं कि ट्रंप साहब मोदी जी के काफ़ी प्रशंसक हैं और उन्होंने पहले भी मोदी जी के लिए कहा था कि इंडियन पीएम मोदी जी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. लेकिन अब इस लेटेस्ट वीडियो के अंदर मिस्टर ट्रंप ने जो बात डिटेल में बोली है, हालांकि यह कोई अगर नॉर्मल बनता या कोई दूसरा बंदा बोलता तो दुनिया कहती या कोई भी कहता कि वह मोदी भक्त है या मोदी जी ने उसको पैसे दिए हैं अपनी बड़ाइयां करने के लिए. लेकिन आप ट्रंप साहब के बारे में ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा और पावर दोनों ही हैं और किसी चीज़ के लिए भी वो मजबूर नहीं है कि वो मोदी जी के बारे में या इंडिया के बारे में अच्छी बातें बोलें. और यही वजह है कि ट्रंप साहब का मोदी जी के बारे में और इंडिया के बारे में इस समय बयान आना काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ख़ासतौर से अगर वो राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते हैं और राष्ट्रपति बनते हैं अमेरिका के तो वो पाकिस्तानी मीडिया के लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा. एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ हमारे सामने आई है. खबर ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो एक पॉडकास्ट में गए तो जो एंकर पर्सन है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल किया कि आप ये बताइए कि आपके आप जब प्रेसिडेंट थे तो उस वक्त आपकी बहुत ज्यादा लीडर्स जो है उनसे मुलाकातें हुई, मीटिंग्स हुई, कुछ हमें हमारे साथ शेयर करें कैसे हैं, कौन कैसा है, कैसा लगा आपको. तो उन्होंने जहां कुछ लीडर्स की बात की वहीं पर मोदी साहब पर उन्होंने बड़ी डिटेल कन्वर्सेशन की है और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब जो है वो एक बहुत जबरदस्त इंसान है, वेरी नाइस ह्यूमन बींग, लगते फादर फिगर है लेकिन He is killer for his enemies. मैं आपको अभी जब आप देखेंगे वीडियो तो आपको पता चल जाएगा उन्होंने कहा वो किलर है बंदा. किसके लिए? अपने opponents और enemies के लिए. फिर उनका ये कहना था कि इंडिया मोदी से पहले बहुत अनस्टेबल था और मोदी के आने के बाद उसने बड़ी तरक्की करवाई अपने कंट्री को. और मैं आपको ये वन लाइनर बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा. तो उन्होंने ये कहा मोदी ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड एंड ऑल्सो द नाइसेस्ट ह्यूमन बींग. Before him being appointed as the Prime Minister, India was very unstable. On the outside, he looks like he is your father. He is the nicest and a total killer. फिर उन्होंने कन्वर्सेशन में और कहा कि हाउडी मोदी जो इवेंट हुआ था, when PM Modi addressed a large gathering of Indian Americans at Houston City's NRG Stadium. Modi in Houston, Texas, it was me and him and it was beautiful. It was gathering of around 80,000 people and it felt like crazy. We were walking about. Today, maybe I won't be able to do something like that. He said, bhai ye bada badi baat hai ye confession karna. Wo ye keh rahe hain ki is waqt jo hai ye mere liye karna mushkil hai. Unhe 80,000 logon ki gathering thi jisme usne howdy ye jo kiya tha aur log crazy ho rahe the Modi ke piche.
अच्छा, ट्रंप आल्सो सेड दैट रिकॉलिंग अ कन्वर्सेशन व्हिच अपेरेंटली इन्वॉल्वड इंडिया पाकिस्तान टेंशंस विदाउट डायरेक्टली नेमिंग पाकिस्तान. ट्रंप सेड ऑन अ कपल ऑफ ओकेशंस समबडी वाज थ्रेटनिंग इंडिया. उनका कोई था जो इंडिया को थ्रेट कर रहा था. एंड आई टोल्ड मोदी लेट मी हेल्प एज आई एम वेरी गुड एट इट. और फिर उन्होंने कहा कि मोदी ने बहुत ही अग्रेसिवली जवाब दिया और कहा आई विल हैंडल इट एंड वुड डू एनीथिंग नेसेसरी. वी हैव डिफीटेड देम फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स एंड आई सेड वो व्हाट जस्ट हैपेंड देयर. तो उन्होंने कहा कि मोदी ने कहा कि आई विल डू इट. ये देखिए मैं आपको वीडियो दिखाई देती हूँ. बट ऑन द आउटसाइड ही लुक्स लाइक हीज योर फादर. ही इज द नाइसेस्ट टोटल किलर. बिकॉज़ आई आस्क्ड हिम या We're talking, I did, they did a thing called Howdy Modi in Houston, Texas. Oh, right? Yeah, yeah. And they filled up the stadium. It was me and him. Yeah. Like 80,000 people was going crazy. And we're walking around today. Maybe I wouldn't be as, maybe you wouldn't do that. But we have a very good relationship. He's the nicest human being. But we had a couple of occasions where somebody was threatening India. I said, let me help. I'm very good with those people. Let me help. I will do it. I will do it, and I will do anything necessary. We've defeated them for hundreds of years. Wow. Yeah, yeah. You can probably guess yeah. the country. Yeah. Yeah. I can't fathom which. You know the country. yeah. But I said, whoa, what happened there? Harsha, Pakistan, if you look at it, तो बल्कि पाकिस्तान से पहले आपकी बात करूंगा कि आपकी ट्रंप साहब से कल मुलाकात हुई है पेंसिल्वेनिया में कैंपेन में आपके साथ है, उसके बारे में बताएं. और दूसरा ताड़ साहब, पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब का एक डेलीगेशन आया हुआ है और कहा जा रहा है कि तकरीबन $2.2 billion के जो है वो MOUs हुए हैं डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर. देखें चीमा साहब, मैं कई दफा पहले आपके प्रोग्राम में अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर बाहर से लाना कोई बड़ी बात नहीं है. उन डॉलरों को वहां रोकना आप सबसे बड़ा एक मुआवजा होगा. मैं आपसे ये क्वेश्चन ये करना चाहूंगा, आपकी दो कंट्रीज के साथ बॉर्डर्स लगते हैं, एक भारत है एक चाइना है. आपने सुना है कभी बीजिंग के करीब बम के धमाके से बंदे मर गए? आपने सुना है कभी दिल्ली के अंदर इस तरह हो गया? और फिर इस संडे को जुल्म ये हुआ है कि तालिबान की फॉरन उनकी फॉरन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट दी है कि वी आर वरीड अबाउट द सर्कमस्टांसेस इन पाकिस्तान, और ये एक रीजनल खतरा बन चुका है पाकिस्तान. ये तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट आई. लेकिन मसला ये है कि हम थोड़ा सा मोहब्बत में भी मारे जाते हैं. जब अफगानिस्तान से अमरीका निकल रहा था, अब्रप्टली निकला वो, उस वक्त हम मोहब्बत में गिरफ्तार थे कि हमने इनके साथ इतना भला किया है. तालिबान सोच भी नहीं सकते थे कि वो कभी दोबारा वहाँ पे अपनी हुकूमत और रेट कायम कर सकेंगे अफगानिस्तान के अंदर. वो हुई और हम तवक्को कर रहे थे कि अब हमारे लिए बहुत सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी. Right. लेकिन हम देख रहे हैं वहाँ पे सेंचुरीज मौजूद हैं इनकी, बल्कि वो सामने बॉर्डर के सामने खड़े होके उनकी फोर्सेज भी खड़ी होती है, वहां से हमें निशाना बना रहे होते हमारी पोस्ट को. तो वो किस किस्म की वो हमारी मदद कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इसके ऊपर हमारे जो नुकसान $127 बिलियन का अब तक हमारा हो चुका है, 1 लाख के करीब तकरीबन शोधा है हमारे और अभी कंटिन्यूस है.